हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल कटारे सिस्टर्स फैशन डायरी में। आज इस वीडियो में हम अनारकली स्कर्ट बनाएंगे, जिसे आप वेयर कर सकते हैं लॉन्ग कुर्ती और जैकेट के साथ, और साथ ही आप इसे वेयर कर सकते हैं क्रॉप टॉप के साथ भी। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। अनारकली स्कर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये टाफेटा सिल्क फैब्रिक लिया है, जो कि 2.5 मीटर है। ये हमारा मेन फैब्रिक होगा। उसके बाद जो हम लाइनिंग यूज़ करेंगे वो कॉटन की लाइनिंग है, ये भी 2.5 मीटर है। इसे मैंने वॉश कर लिया है और फिर इसके ऊपर प्रेस भी कर ली है। सबसे पहले हम लहंगे का मेजरमेंट देख लेते हैं। लहंगे की लेंथ है 38 इंचज़ रेडी और हिप है 36 इंचज़ राउंड। टोटल कलियाँ हम बनाएंगे 12, 6 फ्रंट और 6 बैक। इसके बाद हम बेल्ट की लेंथ निकालेंगे। हिप है 36 इंचज राउंड, उसमें हम एक्स्ट्रा फैब्रिक प्लस करेंगे जो कि है 6 इंचज। इस तरह से हमारा आएगा 42 इंचज। इसके बाद हम निकालेंगे कि कलियों की चौड़ाई हमें किस तरह से लेनी है, नैरो साइड और चौड़ाई वाली साइड। उसके बाद हम 42 को डिवाइड करेंगे 12 से, जितने भी हम कलियाँ बनाएंगे। इस तरह से 42 डिवाइडेड बाई 12 आएगा हमारा 3.5 इंचज। 3.5 इंचज़ हमारा होगा कली की एक साइड की चौड़ाई। ये है हमारी नैरो साइड जो आई है 3.5 इंचज़। साइड से हम कलियों को आधा आधा इंच स्टिच करेंगे, इसलिए इसमें हमें प्लस करना है 1 इंचज़। 4.5 इंचज़ हमारी कलियों की नैरो साइड होगी। उसके बाद हम नीचे से चौड़ाई वाली साइड निकालेंगे। टोटल कलियाँ हम बनाएंगे 12। फ्रंट में आएंगी 6 कलियाँ और बैक में भी आएंगी हमारी 6 कलियाँ। उसके बाद हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे। कपड़े की दोनों साइड से हम इस तरह से तिरछा फैब्रिक कट करेंगे, जो कि हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा, ये हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद हम कलियाँ ड्रॉ करेंगे। एक तरफ होगी नैरो साइड और एक तरफ होगी चौड़ाई वाली साइड। इस तरह से हम पहले अपनी 6 कलियों को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ से हमने कलियों का मेजरमेंट निकाल लिया है 4.5 इंचज़, और ऊपर की तरफ ये हमारी 3 कलियाँ हैं, नैरो वाली कलियाँ। 4.5 इंचज़ इनकी चौड़ाई है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जितनी हमारी नैरो कलियाँ हैं ऊपर की तरफ। इस तरह से हमारा आएगा 13.5 इंचज़। उसके बाद हम चौड़े वाली कलियाँ काउंट करेंगे, जो कि 3 हैं, और इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कि हाफ कली ये होगी। नीचे की तरफ भी 3 हमारी पूरी कलियाँ हैं और हाफ है हमारी ये एक्स्ट्रा कली, इसलिए हमारी जो चौड़े वाली कलियाँ हैं वो है 3.5 कलियाँ। फैब्रिक की चौड़ाई है 58 इंचज़, इसमें से हम माइनस करेंगे 13.5 इंचज़। इस तरह से हमारा आएगा 44.5 इंचज़। उसके बाद हम चौड़े वाले कलियों को काउंट करेंगे, जो कि 3.5 है। 44.5 इंचज़ को हम डिवाइड करेंगे 3.5 इंचज़ से। इस तरह से ये हमारा आएगा 12.7। 12.7 को हम ले सकते हैं 12.5 इंच। इस तरह से हमारे नीचे वाली कली यानी चौड़े वाली साइड जो हम कलियों की लेंथ लेंगे वो लेंगे 12.5 इंच, 12.5 इंचज़। इस तरह से हम अपने अनारकली ड्रेस की कलियों का मेजरमेंट निकाल सकते हैं किसी भी साइज के लिए। उसके बाद हम सबसे पहले मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को मैंने इस तरह से मोड़ के रखा हुआ है। अभी इसकी 2 लेयर्स है और मेरी साइड किनारे वाली साइड है। यहाँ से इसकी क्लोज्ड साइड है। अब हम फैब्रिक की चौड़ाई का मेजरमेंट लेंगे, जो कि 58 इंचज़ है। लहंगे की लेंथ हम रेडी करेंगे 38 इंचज़, इसमें हम 3 इंचज़ एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे नीचे से मोड़ने के लिए। 41 इंचज़ का हम सीधा निशान लगाएंगे। अभी जो हमने निशान लगाया है उससे हम इसे कट करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम बेल्ट में यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कलियों का निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ से। पहले हम लेंगे चौड़े वाली कली का हाफ। अब इस निशान को हम नीचे की तरफ बिल्कुल किनारे पर मिला देंगे।
अब इस निशान से आगे की तरफ हम नैरो कली का निशान लगाएंगे जो कि 4.5 इंचीज है। यहाँ से अब हम चौड़ी कली का निशान लगाएंगे 12.5 इंचीज। अब नैरो कली का निशान लगाना है, इसी तरह से हम कलियों का निशान लगा लेंगे 4.5 इंचीज और उसके बाद हम निशान लगाएंगे 12.5 इंचीज का। एक साइड हमने कलियों का निशान लगा लिया है, पहले चौड़ी कली उसके बाद नैरो कली। पहले हम साइड से तिरछा फैब्रिक कट करेंगे। तिरछा फैब्रिक कट करने के बाद दूसरी तरफ हमें निशान लगाना है। पहले हम लगाएंगे चौड़ी कली का निशान, उसके बाद नैरो कली का निशान। ऐसे ही हमें कलियों के निशान लगाने हैं। ये हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा साइड से, इसको भी हम तिरछा निशान लगा के कट करेंगे। अब हम सभी निशानों को मिलाते हुए तिरछा ड्रॉ कर लेंगे और फिर निशान से इसकी कटिंग करेंगे। साइड से जो हमारी दो पट्टियाँ बची है वो हमारा वेस्ट फैब्रिक है, इसको हम स्कर्ट में यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम 6-6 कलियों को अलग करेंगे जो कि हमारी फ्रंट और बैक की कलियाँ होंगी। नैरो साइड को हम ऊपर की तरफ लेके आएंगे जो कि हमारा कमर का पार्ट होगा। 6 कलियों को हम अलग करेंगे और अब इन कलियों को हम रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे। देखिए मैंने इनको स्टिच कर लिया है और साथ ही इंटरलॉक भी कर ली है। ये हमारी कमर वाली साइड होगी। अब दूसरे पार्ट की 6 कलियों को भी हम साथ में स्टिच करके इंटरलॉक कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स को रेडी कर लिया है। ऊपर की तरफ हम आधा आधा इंच फैब्रिक स्टिच करेंगे जब हम बेल्ट लगाएंगे। इस निशान से 2 इंच ऊपर हमारी बेल्ट आएगी और 2 इंच नीचे से हम अपने लहंगे की लेंथ का निशान लगाएंगे जो कि 38 इंचेस रेडी है। देखिए मैंने गोलाई में निशान लगा लिया है। अब हम फोम कट करेंगे। लहंगे की बॉटम पर हम फोम लगाएंगे, ये आपको इजीली मिल जाएगी। इसको हम निशान पर अच्छे से मिला लेंगे और फिर इसे गोलाई में ही कट करेंगे जैसे हमने निशान लगाया है। अगर फॉर्म छोटी है तो साइड में हम जॉइंट भी लगा सकते हैं। ये फॉर्म हम सलवार मोहरी में भी यूज़ करते हैं। अब हम फॉर्म की चौड़ाई लेंगे जो कि 2.5 इंचेस है। आप चौड़ा बॉर्डर भी बना सकते हैं। देखिए निशान लगाकर मैंने फॉर्म को गोलाई में कट कर लिया है। निशान के ऊपर ही हम इसको स्टिच करेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऊपर की तरफ इस तरह से मोड़ना है। नीचे की तरफ हम 1 फुट का गैप रखते हुए पहले सिलाई लगाएंगे। फैब्रिक को रॉन्ग साइड हम अच्छे से मोड़ लेंगे क्योंकि ये हमने गोलाई में फैब्रिक कट किया हुआ है तो हमारी हल्की सी प्लेट्स आएंगी। देखिए बाहर की तरफ ये काफ़ी फिनिशिंग से मुड़ा हुआ है। उसके बाद हम ऊपर की तरफ भी एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ मोड़ते हुए बिल्कुल किनारे से इसे स्टिच करेंगे। हमने बॉटम से फैब्रिक गोलाई में कट किया हुआ है इसलिए हल्की सी प्लेट्स आएंगी। जहाँ पर हमने कलियों का जॉइंट लगाया है वहाँ पर हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे, ये दिखाई नहीं देंगी। इसे हम पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए एक तरफ से हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। बैक वाली साइड भी हम बॉटम पर फॉर्म लगा लेंगे। उसके बाद दोनों पार्ट्स को हम साइड से स्टिच करेंगे। साइड में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम लहंगे की लेंथ लेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम लाइनिंग की लेंथ लेंगे और हम फैब्रिक की विड्थ को पूरा ही यूज़ करेंगे। इसको मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया है। अब इस लाइनिंग को हम एक साइड से स्टिच करेंगे, ये है हमारी किनारे वाली साइड। अब मैंने ये पेस्टिंग ली है जिसकी चौड़ाई 2 इंचेस है, इसको हम लाइनिंग की बॉटम पर लगाएंगे। इसको हम रॉन्ग साइड इस तरह से रखते हुए फोल्ड करेंगे। बिल्कुल किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे बॉटम पर हम ये पेस्टिंग लगा लेंगे।
देखिए पूरी लाइनिंग पर हमने पेस्टिंग लगा ली है। अब इसको हमें इस तरह से मोड़ना है और उसके बाद साइड से भी हमें सीधी सिलाई लगानी है नीचे तक। ये सिलाई लगाने के बाद ऊपर की साइड से हमें बड़ा टाका करके सिलाई लगानी है। ये हमारी कमर वाली साइड है। कमर वाली साइड हमें प्लेट्स डालनी है। देखिए एक थ्रेड को पुल करते हुए हम इस तरह से प्लेट्स डाल लेंगे। इसी तरह से हमें पूरी गोलाई में प्लेट्स डालनी है। पहले हम बड़ा टाका करके पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद प्लेट्स डालेंगे। देखिए मैंने पूरी गोलाई में प्लेट्स डाल ली है। इसकी गोलाई हमारे लहंगे की कमर वाले पार्ट की गोलाई के अकॉर्डिंग ही है। अभी आप देख सकते हैं जो हमारा मेन लहंगा है उसकी रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। इसको हम लाइनिंग के अंदर इस तरह से डाल लेंगे और दोनों कमर के पार्ट्स को एक साथ मिला लेंगे। इनको हम गोलाई में स्टिच करेंगे दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए। देखिए मैंने इन दोनों को स्टिच कर लिया है। लाइनिंग की ऊपर की तरफ रॉन्ग साइड है। अब हम कमर पर गोलाई में इलास्टिक को अटैच करेंगे। ये मैंने सीधी पट्टी कट की हुई है जिसकी जो चौड़ाई है वो है 5 इंचेस। 1 इंच हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे मोड़ने के लिए। और इस पट्टी की लेंथ किस तरह से लेनी है इसका मेजरमेंट मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया हुआ है। पट्टी को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और साइड से इसको हम स्टिच करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। अब हम इस पट्टी को बेल्ट कमर के पार्ट पर अटैच करेंगे। आप देख सकते हैं पट्टी की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है और लहंगे की राइट साइड ऊपर की तरफ है। इस पट्टी को हम इस तरह से गोलाई में अटैच करेंगे। देखिए मैंने इसको गोलाई में स्टिच कर लिया है। उसके बाद हमें इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक की लेंथ हमें कमर की गोलाई से 1 इंच कम लेनी है। इसमें हमें हिप का मेजरमेंट नहीं लेना है, कमर से हमें इसे 1 इंच कम रखना है। उसके बाद इलास्टिक के जॉइंट को हम अच्छे से स्टिच करेंगे। देखिए मैंने इस जॉइंट को अच्छे से स्टिच कर लिया है। अब हम बेल्ट पर इलास्टिक को स्टिच करेंगे। जॉइंट को हम अच्छे से नीचे की तरफ दबाएंगे। ऊपर से हम बेल्ट को इस तरह से मोड़ेंगे। जॉइंट को हम अच्छे से कवर करेंगे। बेल्ट पर बिल्कुल किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। यहाँ हमें ध्यान रखना है हमें इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। अगर हम इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो पहनते टाइम ये स्ट्रेच नहीं होगी। पूरी गोलाई में हमें इलास्टिक को इसी तरह से स्टिच करना है। हमारी बेल्ट की चौड़ाई इलास्टिक की चौड़ाई से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें इलास्टिक को साथ में स्ट्रेच करते रहना है। देखिए इसको हम इस तरह से स्ट्रेच करेंगे और पीछे हमारी प्लेट्स डलेंगी। बाकी बची हुई बेल्ट को भी हम अच्छे से इस तरह से स्टिच करेंगे। ये एकदम हमारी अच्छे से स्टिच होगी। देखिए कुछ इस तरह से पूरी गोलाई में मैंने इसको स्टिच कर लिया है और हमारी जो ये स्कर्ट है वो भी बनके एकदम रेडी हो गई है। ये पहनने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।